मैं डॉक्टर सी एल महावर बी ए सेकेंडरी के छात्राओं को रिद्धिकालीन प्रमुख कवि पद्माकर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। पद्माकर रिद्धिकालीन काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक प्रमुख कवि हैं। रिद्धिकाल के कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग वर्णन का सुंदर चित्रण किया है, लेकिन अधिकतर कवियों ने नारी के कोमल अंगों का चित्रण किया है, उनको विविध उपमाओं से उपमेयित किया है। प्रकृति का चित्रण बहुत कम लोगों ने किया है। रित्तिकालीन कवियों में प्रकृति की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले कवियों में से पद्माकर का नाम प्रमुख आता है, और पद्माकर ने प्रकृति को अपने काव्य में सजोया है, उसका आलंबन और उद्दीपन रूप प्रस्तुत किया है। क्योंकि कविता में प्रकृति नायक नायिका के संयोग और वियोग के अंतर्गत आलंबन और उद्दीपन में दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। बिना प्रकृति के चित्रण के नायक नायिका का श्रृंगार का जो संयोग या वियोग वर्णन है पूर्ण संपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वह प्रकृति ही उस काव्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। पद्माकर का काव्य सौंदर्य, पद्माकर का काव्य सौंदर्य की दृष्टि से उनके काव्यगत विशेषताएँ, भावगत पक्ष एवं कला पक्ष निम्नानुसार है। सबसे पहले हम उनके भावपक्ष को सुनेंगे। भावपक्ष, पद्माकर की कविता श्रृंगार वीर तथा भक्ति की त्रिवेणी संगम। क्योंकि रित्तिकालीन कवियों में जो रसों की हम बात करते हैं, भावों की जब बात करते हैं, तो रित्तिकाल कवि का सबसे श्रेष्ठ जो रस था वो श्रृंगार रस था, और उसके बाद में वीर रस था, क्योंकि श्रृंगार और वीर दोनों रित्तिकाल के प्रमुख कवि थे, और फिर तीसरे नंबर पर जाकर के भक्ति रस आता था। तो इस प्रकार से पद्माकर के काव्य में त्रिवेणी संगम था, श्रृंगार वीर एवं वियोग भक्ति से। तो सबसे पहले हम देखते हैं पद्माकर की भक्ति भाव। भक्ति विषय रचनाओं में उन्होंने श्री राम पर अटूट विश्वास प्रकट किया है तथा अपने काव्य के उद्गार हेतु विनती की है। क्योंकि पद्माकर ने श्री राम को अपना आराध्य माना है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भक्ति करता है उसका कोई एक इष्ट होता है, किसी को एक विनती प्रार्थना स्तुति करता है, पूजा अर्चना करता है। तो उसी प्रकार से पद्माकर ने जो आराध्य देव थे, जो इनके इष्ट देव थे, वो श्री राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और उनमें इनका अटूट विश्वास था, और उन्हीं को आधा अपना आराध्य पुरुष मान करके अपना जीवन का उद्धार उद्गार जो प्रस्तुत किया, उनकी भक्ति भावना में श्रेष्ठता के साथ में प्रस्तुत है। क्योंकि इनके काव्य में श्री राम की महिमा, श्री राम के गुण, श्री राम के व्यक्तित्व का चित्रण जो किया है वो श्रेष्ठ चित्रण किया। नंबर दो, रस योजना। क्योंकि बिना रस के काव्य नीरस है, बिना रस के काव्य नीरस है, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, जब तक उसमें आनंद नहीं आता, रस नहीं आता है, तो कोई उसका महत्व नहीं। तो रस योजना की जब हम बात करें तो रीतिकाल का जो श्रेष्ठ जो रस था वो श्रृंगार रस था, और श्रृंगार के दोनों पक्ष
संयोग पक्ष और वियोग पक्ष, दोनों पक्ष बड़े मजबूत थे। और दोनों पक्ष मजबूत होने के कारण ही ऋतिकाल में नारी की सुंदरता था नायिका की सुंदरता का श्रेष्ठता के साथ में विविध उपमाओं से उन्होंने उपमेयित किया, मखान किया। और रस श्रृंगार रस, श्रेष्ठ श्रृंगार रस, और उसके साथ में फिर वीर रस, क्योंकि जहाँ पर सौंदर्य है तो उसके साथ में वीरता भी जरूर। अतः पद्माकर के काव्य में जब रस की बात करते हैं तो रस के उन्होंने उनके काव्य में स्वतः अपने आप ही आनंद के साथ में जो आ गया वो आनंदित हो गया, उल्लास से जो आ गया उनके काव्य में वो बड़ा सफल हो गया। रस योजना पद्माकर ने आनंद तथा उल्लास के श्रृंगारिक प्रसंगों का वर्णन किया है, वियोग श्रृंगार की अपेक्षा संयोग वर्णन में अधिक सफलता मिली, क्योंकि इनके काव्य में जो आनंद था जो उल्लास था वो श्रृंगार के अंदर था, श्रृंगार का वर्णन किया। लेकिन अधिकतर जो कवियों ने जो वर्णन किया वो वियोग श्रृंगार का किया, क्योंकि कवि की कल्पना के जो उड़ान थी वियोग में अधिक उड़ी। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही था, पद्माकर ने अपने काव्यों में संयोग वर्णन की सफलता के साथ वर्णन किया, क्योंकि संयोग श्रृंगार कम लोगों ने प्रस्तुत किया। और पद्माकर का काव्य जो था संयोग श्रृंगार से सफल सिद्ध रहा, क्योंकि श्रृंगार के दोनों रूप संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, और यहाँ पर पद्माकर के काव्य में उसका संयोग जो वर्णन था बड़ा सफलता के साथ में इन्होंने प्रस्तुत किया, जो बड़ा महत्वपूर्ण था। नंबर 3 प्रकृति वर्णन, ऋतिकालीन कवियों ने प्रकृति का वर्णन कम ही किया है, पद्माकर ने प्रकृति का चित्रण आलम्बन और उद्योगपन दोनों रूपों में किया। मैंने बताया अभी पहले अकृतिकाल के कवियों ने नायिका के अंगों का विविध उपमाओं से उपमेयित किया, विविध अंगों का यानी अंग हैं उन प्रत्यंगों का उन्होंने उपमा से उपमेयित कर दिया, लेकिन प्रकृति की तरफ नहीं गए, प्रकृति की तरफ उनका ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। केवल पद्माकर एक ऐसे कवि थे उनका ध्यान प्रकृति की तरफ आकर्षित हुआ, और पद्माकर ने अपने काव्य के अंतर्गत प्रकृति का जो चित्रण किया वो आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों में प्रस्तुत किया, दोनों सफल रूप थे, क्योंकि प्रकृति आलम्बन का भी काम करती है और उद्दीपन का भी काम करती है, चाहे नायक हो चाहे नायिका, और उसका आलम्बन और उद्दीपन रूप है उसी के माध्यम से उसमें भाव रस की तीव्रता और कम दोनों आते हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो चित्रण किया जाता है नायक या नायिका का वो श्रेष्ठ वर्णन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं अगर पद्माकर ने ऋतिकालीन कवियों में प्रकृति का आलम्बन और उद्दीपन रूप में सफल प्रयोग किया। अब पद्माकर का दूसरा रूप है कला पक्ष, इसमें देख लेते हैं। पद्माकर की भाषा शानुप्रास सकोमल एवं मधुर पदावली के से परिपूर्ण थी, तो इनके जो काव्य रचना थी उस काव्य रचना के अंतर्गत भाषा का भी उन्होंने सहज प्रयोग किया। नंबर 1 भाषा सृष्टि, पद्माकर ने विशुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, इसमें रमणीयता तथा स्वाभाविकता है। देखा जाए तो ब्रज भाषा वैसे रसीली भाषा, रसयुक्त भाषा, और पद्माकर के काव्य की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, विशुद्ध यानी शुद्ध परिनिष्ठ ब्रज भाषा पद्माकर की भाषा थी, और ब्रज भाषा में वैसे ही रस टपकता है, तो ब्रज भाषा में रमणीयता के साथ स्वाभाविकता यानी स्वभाव से ही ज़्यादा प्रयास नहीं किया, स्वभाव से उनके काव्य के अंतर्गत जो ब्रज भाषा और ब्रज भाषा से संबंधित जितने भी जो शब्द थे रसीले थे जो स्वभाव के रूप में जो सब स्वतः ही आ गए थे उन शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया, उनके लिए उन्होंने ज़्यादा मशक्कत नहीं की और वो रमणीय एवं स्वाभाविक थे जो सहजता के साथ में आ गए।
नंबर दो अलंकार विधान। पद्माकर ने काव्य की शोभा बढ़ाने एवं उसके अंग सौंदर्य की अभिव्यक्ति के उद्देश्य अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्रयास नहीं किया। अगर मैं मेरे काव्यों को केशव के जैसे या और अन्य दूसरे नृत्यकालीन के कवि उसके जैसे मैं अपने काव्य की शोभा को बढ़ाऊँ उसके अंतर्गत अलंकारों का छंदों का प्रयोग करूँ, नहीं, स्वभाव से सहजता के साथ में जो अलंकार काव्य के अंतर्गत आ गए और उनके काव्य की जो शोभा बढ़ाई वो स्वाभाविक थी। उन्होंने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, कोई मशक्कत या उसके लिए कोई इन्होंने अलग से प्रयास के साथ में कोई ये नहीं किया, ये खोजने की कोशिश नहीं की कि मैं मेरे भाषा के अंतर्गत इन इन छंदों को इन अलंकारों को प्रयोग करूँ। अलंकार अपने आप स्वभाव से जो आ गए अंगों के हिसाब से, शोभा के कारण से या दृश्य के हिसाब से या प्रकृति के हिसाब से, वो स्वभाव से ही उनके अलंकार आए। उन्होंने इसके लिए कोई अधिक या अलग से प्रयोग नहीं किया। नंबर तीन छंद। पद्माकर के काव्य में छंद का सहज तथा सुंदर प्रयोग हुआ। वीर भक्ति एवं श्रृंगार वर्णन के लिए जो छंद मुक्तक छंद काव्य की सशक्त व्यंजना में प्रस्तुत हो सके उन्हें का उन्होंने प्रयोग किया। कुछ छंद मुक्तक छंद और का प्रयोग किया प्रबंध छंद। प्रबंध का ना करके पद्माकर ने मुक्त छंद का प्रयोग किया और मुक्त छंद वह होता है जिसके अंतर्गत सहजता से एक छंद में उसका संपूर्ण अर्थ निकल जाता है, वो दूसरे पर निर्भर नहीं करता। तो चाहे वीर रस हो, चाहे भक्ति हो, चाहे श्रृंगार, इसे मुक्त छंद का प्रयोग किया जिससे सहजता के साथ में व्यंजना के साथ में उसका अर्थ प्रस्फुटित हो गया आ गया। यानी छंद मुक्तक छंद जिसमें उसका अर्थ परिपूर्ण यानी पूरा अर्थ सहित उसमें समा गया, ऐसे छंदों का प्रयोग किया। पर यह श्रृंगार वीर और भक्ति जो त्रिवेणी थी उन त्रिवेणी का इन्होंने इस छंद में बद्ध कर दिया आके मुक्तक छंद में ही श्रृंगार वीर और भक्ति रस को अच्छे से अभिव्यक्त किया जा सकता है, उसकी अभिव्यंजना की जा सकती है। और यही इन्होंने किया कि मुक्त छंद में रह करके अपने काव्य की रचना की। धन्यवाद।